सर आज क्या हुआ सर पार्लियामेंट में? पार्लियामेंट में आज जीरो आवर चल रहा था, तो जीरो आवर के चलते जब मैं बोल के बैठा फार्मर इशू के, तो पीछे शोर होता है सामने, इधर लेफ्ट साइड से स्पीकर के बिल्कुल सामने से, कि दो आदमी ऊपर से छलांग लगाते हैं, तो एक आदमी चेयर के ऊपर से निकलता है जहाँ पार्लियामेंट मेंबर बैठते हैं, तो मैंने फिर जोर से लगाया कि इसको पकड़ो जरा आगे से, तो वो फिर हनुमान बेनीवाल उसकी तरफ बढ़ते हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे को पता था एक आदमी और गिरा है, वो दिखता नहीं, फिर मैंने उसकी तरफ ढूंढने के निकला, तो उतनी देर में वो अपना बम स्मोक बम निकाल के उसको पकड़ता है, तो फिर मैंने उसको जाकर दबोचा, दबोच के वो स्मोक बम खींच के वो लेके मैं बाहर गया। तो मतलब उस समय तो बहुत मंजर और ही तरह का था, पता नहीं अब क्या है क्या नहीं है उनके पास, लेकिन हमने जितनी ताकत थी उनको रोकने की कोशिश की और रोका और पकड़ा, और मतलब वहाँ सब MP भी और भी थे, उन्होंने सब ने फिर सिक्योरिटी वगैरह आगे उनके हवाले कर दिया। और जो देश का मान है, तिरंगा है, हमारे पार्लियामेंट है, हम यहाँ देश के लिए हमेशा ही पहले भी हैं और आज भी हैं और डट के खड़ते हैं, और यही एक हमारे कह सकते हो कि परमात्मा की बख्शिश है कि हमने ये नहीं देखा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हमने सिर्फ उसको पकड़ने की कोशिश की और पकड़ा। सर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में चूक हुई है सर? वो तो है ही, सिक्योरिटी चूक हुई है तो वहाँ गए हैं, वहाँ कौन सा मिलते हैं कि पार्लियामेंट से खरीद के उन्होंने कहीं कुछ कर दिया है, ये तो बहुत बड़ी चूक है। और इसके आज मीटिंग भी हुआ है उसमें क्या? बिल्कुल, क्या अब तो वो तो आगे पैरामीटर्स और करेंगे, टाइट करेंगे सिक्योरिटी, वो तो अलग बात है, लेकिन आज सबसे दुख की बात है कि 2001 में भी आज अटैक किया था, उसी दिन को उन्होंने चुनकर चाहे कुछ भी कहो उन्होंने अपना मंशा पूरा किया। तो आगे क्या, अब क्या रहेगा? आगे हम रहना क्या, हम तो बिल्कुल जो सिक्योरिटी टाइट करेंगे वो अलग बात है, लेकिन देश की जो देश की विरोधी ताकतें हैं, देश विरोधी ताकतें हैं, हम उनको भी बताना चाहते हैं कि ये आप जो इतना आसान समझते हो, इतनी आसान चीज़ें नहीं हैं, हम सब लोग देश के साथ डट के खड़े। विपक्ष क्या मुद्दा बनाएगा इसमें? विपक्ष मुद्दा कोई राजनीति नहीं करना, हम सब लोग एकत्र हैं इस मुद्दे के ऊपर, देश की जहाँ सुरक्षा का मामला है, हमारी सारी पार्टी पार्टीबाजी और राजनीति से ऊपर उठकर सरकार के साथ है। सरकार इसके सिक्योरिटी, इसके लैप्स हुई है कैसे आए, इसकी तहकीकात कर ढुंगाई तक जाए। आपके हाथ में भी सर येलो कलर? हाँ, येलो कलर उसी का है, वो जब स्मोक बम उसने फेंका तो उसको छीना पड़ा और हाथों पाई हुई, उसी समय छीनते हुए जो थोड़ा जला भी है ये सारा उसके।